कहते हैं आप सल्लम सर बचाओ बचा के बच्चे मार रहे थे कंकरियां आप सल्लम और बदमाश हायर किया भवन गुंडे और पत्थर मारता पेट में मारता नाक पे मारता कंधों पे पत्थर मारता आप सल्लम ने मक्के में 13 साल गुजारे बहुत मेहनत की कि कुछ बात समझ आ जाए इनको बात समझ नहीं आई लोग भी ज्यादा नहीं आ रहे थे बहुत गरीब लोग थे आप सल्लम के साथ बड़े बड़े सरदारों में से एक हमजा थे एक आपके उमर बिन खत्ताब थे अबू बकर थे ये बड़े लोग तो जब आपने देखा ना भाई यहाँ अब यहाँ पर मामला अब सही नहीं हो रहा और बहुत ज्यादा तहरीक को नुकसान हो सकता है तो आपने डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं की पहले मदीने जाने आपने पहले रुक किया किंदा की तरफ किंदा से बात की कि किंदा कबीला कुछ मुझे अमान दे दे अपनी वहाँ बात नहीं करी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सेकुलरिज्म निज़ाम लेके आ जाते हैं हुकूमत हमारी नबूवत आ गई फिर गज़ा खान वालों ने भी बड़ी गलत डील रखी आपसे सलम कोई वायसराय कंट्रोल नहीं चलेगा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सोल पावर आपसे सलम के पास होगी बस आप कहते थे मैं नबी हूँ प्रोटेक्शन दे सकते हो तो नहीं मिली फिर आप ताइफ गए ताइफ में जब आप गए तो वो तीन भाई उसके सरदार इब्ने हिशाम अपनी सीरत में लिखता है कि जब आप गए ना तो उन तीनों ने जो जवाब दिया ना उसने आपसे सलम के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस जवाब बहुत डिसहार्टेड आप ने वो तीन भाइयों ने रवैया किया एक ने कहा अगर आप नबी हैं तो आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको तो जरूरत ही नहीं होगी किसी आप क्या उठा के यहाँ क्यों आ गए आप दूसरे भाई ने कहा हमें आपके बारे में खबर मिली आपके बड़ों से आप ठीक आदमी नहीं हैं और तीसरे ने कहा अगर कुछ इस तरह का हक होगा तुम्हारे पास तो हम खुद ही कायल हो जाएंगे तो अब देखते हैं हम कायल होते हैं आप सल्लम को बहुत धचका लगा इनकी बात का कि यार मैं कुरैश का हूँ जब भी पूछती मेरा खानदान है एक सिलसिला है मैंने आज तक झूठ नहीं बोला और तुमने मेरी इमामत मतलब आप जब वापस जा रहे थे ना तो तीनों भाइयों ने एक पूरा स्क्वाड तैयार किया बच्चों का और कुछ बदमाशों का और कंकरियां हाथ में दे के गए जरा ऐसा सबक सिखा के बाहर भेजना कि दोबारा रुख ना करे मक्के वालों को एक अच्छी खबर भेज देंगे हम कुरैशियों को यह तुम्हारी दोस्ती में हमने तुम्हारे दुश्मन का ये हाल किया कहते हैं आप सल्लम सर बचाओ बचा के बच्चे मार रहे थे कंकरियां आप सल्लम और बदमाश हायर किया भवन गुंडे पत्थर मारता पेट में मारता नाक पे मारता कंधों पे पत्थर मारता एक ऐसी कनपट्टी पे आया वो पूरा फुहारा ही निकल गया हार्ड डे ऑन हिज लाइफ वेरी हार्ड अच्छा आप सर खुद इतने पाक साफ बकार वाले चलने में इतने मोतदिल इतने खूबसूरत इंसान थे आप तो खूनम खून जिस्म जो पूरा कपड़ा पैर खूनम खून हुआ तो आपकी ना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी तो आगे पीछे हुआ होगा ना खून निकला होगा आपकी ना सांस फूल गई उस टाइम पर आप ना एक कोना ले गए ताइफ के बाहर एक दीवार थी उसके साथ जाके कमल लगी तो खूनम खून थे आप सल्लम उस टाइम सांस ली एक वहां पर इंसान था वो कहीं पहचान गया आपसे वो लाया कुछ खिदमत करने के वो जानता था ये कौन पानी शानी लाया कुछ लाया आपसे इतने में आ गया ऊपर से जो दो पहाड़ों का एक मुहाफिज फरिश्ता अल्लाह ने रखा था अपना भेज दिया अल्लाह ने उससे जाओ उसने आकर साथ ही उसने भी कौल कौलम सरीदा ही स्ट्रेट बात की उसने आकर कह रहे हैं आपने सिर्फ यस कहना है और ये जो दो पहाड़ों के बीच में ताइफ है ना मैं इस जगह को ख़त्म कर दूंगा इन दो पहाड़ों को एक करके पीस दूंगा इस कौम हमें ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर आया इस कौम को तबाह करने का आप हुक्म करें या हबीब अल्लाह अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं मैं समझता हूँ खूनम खून है आपसे बेहरमती की इंतहा है
वो पत्थर जो आप सल्लम पे लगे होंगे ना, वो पत्थर भी शर्मिंदा होंगे, उनके पत्थर भी आप सल्लम पे सलाम भेजते थे नबूवत से पहले, पत्थर भी शर्मिंदा होंगे कि किसके ऊपर चल गए हमको। आप ने फरमाया मुमकिन है इस कौम में से उम्मीद की कोई किरण और रोशनी निकले। तो ताइफ अगर आज बचा हुआ और लोग वहाँ पे सर्दी लेने जाते हैं ना, तो मेरे नबी की रहमत है जिसकी वजह से वो पिसा हुआ नहीं है। आज तो आया ना फिर वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम, बाबुल इस्लाम सिंध में मोहम्मद बिन कासिम था। तो लीडर जो होता है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन माए और बाप सिखा रहे होते हैं बचपन से, फिर आगे उसे बड़े असातिज़ा सिखाते हैं, लेकिन बचपन से ही सिखाया हुआ बेटा अगले को नीचे करना है, अगले को दबा के रखना है, अगले पे चढ़ के रहना है, अगले को जलील करके रखोगे तो इज्जत करेंगे तुम्हारी, ज्यादा लेला पूछा ना किया करो। नो, क़यादत का पहला सबसे बड़ा उसूल जो उम्मत मुस्लिमा को समझ, अगर दुनिया की भी तुम इमामत करना चाहते हो तुम्हें दुनिया की तनकीद बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। आज मुसलमानों के गुस्से देख लें आप, हर बात पर वेस्ट को गाली, क्यों भाई? उसके ईमान में कुफर है ना, उसकी इजाद में कुफर थोड़ी है। उसका ईमान कुफरी है, उसकी इजाद कुफरी है थोड़ी है। उसकी इजाद में तो पीर मानो ना उसको, तो वो तुमसे ज्यादा काबिल है। मेहनत की है उन्होंने, मुशाहदे किए, चीजें ढूंढी है उन्होंने। तो इसी तरह से आज मुसलमान अगर दुनिया पे इमामत करना चाहते हैं, इनमें सबसे बड़ा दिल होने गुर्दा होना चाहिए, हौसले का, बर्दाश्त, सुनने का मान। अल्लाह के नबी को अल्लाह फरमा रहा है वक्त जरहा का लमन तबा का मिनी, या आपके गिर जो भी बैठे हुए आपके इंटेलेक्ट पे थोड़ी पहुंच सकता है कोई इंसान, लेकिन आपने पर झुका के रखने हैं इनके आगे, आपने सख्ती तेजी नहीं दिखानी इनके साथ।